चिंता किस बात की करते हो? यदि आपको जीवन में शांति और सफलता चाहिए तो हर तरह की चिंता को भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यही सक्सेस का मूल मंत्र है। क्या आपने किसी नदी पर बने पुल के नीचे बहते पानी को देखा है? इस पानी के बहाव में भी जीवन का चिंता और अंततः अवसाद को दूर रखने का एक अहम दर्शन छुपा होता है। कहते हैं कि पुल के नीचे से जो पानी एक बार बहकर निकल जाता है तो दोबारा वह कभी लौटकर नहीं आता। पुल के नीचे से बहने वाले पानी हर बार नया होता है। हमें अपने जीवन की दुखद स्मृति को पुल के नीचे बहते पानी की तरह सदा के लिए भूल जाना चाहिए। हमें वर्तमान को सही तरह से जीना चाहिए। कामयाबियों की सीमा तय करें। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि जब वे विश्व विजय पर निकले थे तो उनके गुरु ने उनसे पूछा, मान लो तुम इस दुनिया को जीत जाते हो तो फिर आगे क्या करोगे? क्योंकि दुनिया तो केवल एक ही है, तो फिर जीतने के लिए दूसरी दुनिया कहाँ से लाओगे? गुरु के इस प्रश्न को सुनकर सिकंदर की आंखें खुल गईं। सच पूछें तो हमारे पास जो भी है हमें उसमें ही जीवन की असीमित खुशियां खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी दशा में हम अपने जीवन की कई अवांछित चिंताओं एवं तनावों से सुरक्षित रह पाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। अंग्रेजी साहित्यकार, दार्शनिक व नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक मैन एंड सुपरमैन में लिखा है कि चिंता रहित जीवन के लिए व्यक्ति को हमेशा जीवन की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। जब कोई शख्स संसार को मन के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है तो वह विफल हो जाता है। गंभीर समस्याओं को जन्म देती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की आदत सीखें। परिस्थितियाँ कभी भी इंसान के सारे पर नहीं ढलती। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में कई बार इंसान काफ़ी तनावग्रस्त हो जाता है। इसके बजाय खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालें। दूसरों के दुख से भी सीखें। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई चिंता या दुख नहीं होता। हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी या चिंता है। अंतर सिर्फ उसकी प्रकृति का है। किसी के पाँव में जूते नहीं हैं तो किसी के पाँव ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें दूसरों के दुखों से सबक लेने चाहिए और खुद के हौसले को मजबूत करना चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर जब खुद का दुख छोटा दिखने लगे तो मन को काफ़ी सुकून मिलता है और यह बात हमें चिंता और तनाव से महफूज रखती है। जीवन में हर स्थिति में रिलैक्स रहना चाहिए। दुख बहुत कुछ सिखा जाता है। अमेरिकी कवि हेनरी एक बार कहा था, हर इंसान का अपना व्यक्तिगत दर्द होता है जिसे दुनिया नहीं जानती है। दुख तब होता है जब उदासी से घिरे ऐसे इंसान के दर्द को समझने की बजाय हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब जीवन समस्याओं में घिर जाए तो परेशान होने की बजाय हमें इनके समाधान खोजने चाहिए, अपनों से बातें करनी चाहिए। दर्द को खुद तक बटोर कर रखने से इसकी टीस जानलेवा होती है। इसलिए यह जरूरी है कि खुशियों की तरह हमें अपने गम को भी बांटना चाहिए। मुसीबतों के बारे में अपनों के बीच खुलकर बातें करनी चाहिए। आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनसे हर बात शेयर कर सकें।